हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज अ रेसी। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। लोगों ने वो टॉपिक स्टडी नहीं किया है तो मैं उसका लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्विन प्रेगनेंसी। जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, ट्विन मीन्स जो यूट्रस है उसमें क्या है, ट्विन्स प्रेजेंट है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें। एंड जब इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट में जब एक बेबी होता है तो उसे हम फीटस बोलते हैं। मेडिकल टर्म में हम उसे फीटस बोलते हैं, बेबी ना कहकर उसे फीटस बोला जाता है। सो ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है, साइमल्टेनियसली, नोट डाउन कर लीजिएगा, साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ टू फीटसेस। यहां ट्विन प्रेगनेंसी की बात हो रही है। सो डेवलपमेंट ऑफ टू फीटसेस इन द यूट्रस। ओके, सो ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है, साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ टू फीटसेस इन द यूट्रस। यूट्रस में टू फीटस मतलब दो फीटस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर हम बात करें इसकी वैरायटीज की, तो बेसिकली इसकी दो टाइप की वैरायटीज होती हैं। ट्विन प्रेगनेंसी की दो वैरायटीज होती हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज बायनोव्यूलर ट्विन्स एंड द सेकेंड वैरायटी इज यूनिओव्यूलर ट्विन्स। तो देखिए बायनोव्यूलर, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, बाय बी आई, इसका मतलब होता है टू एंड ओव्यूलर रिलेटेड है ओवम से। तो यहां पर क्या हुआ है ना, दो ओवम फर्टिलाइज हुए हैं। यहां पर बायनोव्यूलर ट्विन्स में क्या होता है, दो टू ओवम फर्टिलाइज्ड होते हैं। ओके, इन बायनोव्यूलर ट्विन्स। ओके, यूनिओव्यूलर जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, यूनि, यूनि मीन्स होता है वन, ओव्यूलर रिलेटेड है ओवम से। सो यहां पर एक ही ओवम फर्टिलाइज हुआ है, बट इस प्रोसेस में क्या होता है, फर्दर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, आफ्टर दैट जो ओवम है वो टू में बोल सकते हो सेपरेट हो जाते हैं वो। सो आप बोल सकते हो यूनिओव्यूलर ट्विन्स में क्या होता है, बेसिकली एक ही ओवम जो है वो फर्टिलाइज होगा और इससे क्या होगा, हमें टू फीटसेस मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायनोव्यूलर ट्विन्स एंड यूनिओव्यूलर ट्विन्स। सो अब हम बायनोव्यूलर ट्विन्स को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। बायनोव्यूलर जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, यहां पर टू ओवा बोल सकते हो फर्टिलाइज हुए हैं। ओके, हो सकता है कि ये सेम ओवरी से दो ओवम हो, या फिर हो सकता है कि ईच ओवरी से एक एक ओवम हो। देखिए यह हमारा यूट्रस, दीज टू आर फ्लोपियन ट्यूब्स। ओके, सो फ्लोपियन ट्यूब से ऊपर का जो पोर्शन होता है यूट्रस का, उसे हम बोलते हैं फंडस ऑफ द यूट्रस। एंड दैट पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द यूट्रस। यहां पर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल लेयर प्रेजेंट रहती है, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। ओके, जो कि अंदर वाली सबसे लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर। अब देखिए यहां बायनोव्यूलर ट्विन्स की बात हो रही है, हो सकता है कि सिर्फ यहां से, ओनली इस वाली ओवरी से एक सिंगल ओवरी ने टू ओवा प्रोड्यूस किए हो, या हो सकता है कि दो ओवा ईच ओवरी ने प्रोड्यूस किए हो, मतलब एक सिंगल ओवरी ने ओनली एक ही ओवा प्रोड्यूस किया हो। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल वाले वीडियो में स्टडी कराया था कि जो ओवरी होती है हमारी, ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स। कौन से फॉलिकल्स बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स। सो सबसे फर्स्ट जो फॉलिकुलर स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। सबसे पहले कौन सा फॉलिकल प्रेजेंट होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ओवम, ठीक है, ओवम यहां से क्या होता है,
प्रोलिफ्रेट कर जाता है, ओवम यहां से रिलीज हो जाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर या फ्लूइड फिल्ड कैविटी आप उसे बोल सकते हो, जिसके अंदर ओवा हमारा प्रेजेंट होता है. ओके, ओवम इसे हम बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल. फर्दर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली विदाउट अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी हॉर्मोन. किसी भी हॉर्मोन के इफेक्ट नहीं चाहिए है ग्रो करने के लिए या फिर फर्दर चेंज अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए. तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल किसमें चेंज हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल में. इसमें भी ओवम है एंड इसके ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी आप इसे बोल सकते हो या फिर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये सेल्स यहां जाकर क्या हो जाएंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से जब प्राइमरी फॉलिकल के जो सेल्स हैं वो कैसे डिफर करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल के जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल हो जाएंगे. यहां पर ये जो सेल्स थे ये क्यूबॉइडल नहीं थे प्राइमोर्डियल फॉलिकल में, बट प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, सेल्स क्यूबॉइडल हो जाएंगे. ओके, अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स मैं आपको बता रही हूं किसे बोलते हैं. ये जो फॉलिकल्स मैंने आपको बताया प्राइमरी फॉलिकल, अब यहां पर आ जाएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी इसे सिक्रीट कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, जो कि किसने रिलीज किया है, हाइपोथैलेमस ने. ठीक है, तो FSH यहां पर आ जाएगा. FSH फर्दर, अब यहां तक तो सब काम ऑटोमेटिक चल रहा था, अब क्या होगा, FSH अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, इसका नेम साउंड कर रहा है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हॉर्मोन, तो ये क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देगा. अभी ओवा यहीं पर है, ओवा प्रोलिफ्रेट नहीं हुआ है, ओवरी ने इसे रिलीज नहीं किया है. ठीक है, जब एक मैच्योर ओवम बनके रेडी हो जाएगा उसमें क्या क्या होगा, देखिए ओवम जोना पेल्यूसीडा लेयर होगी जो कि स्पर्म को एक तरह से इसे इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करती है, ओवम की प्राइवेसी को मेंटेन करती है जोना पेल्यूसीडा लेयर, स्पर्म को पेनिट्रेट होने से प्रिवेंट करती है. ओके, ओनली सिंगल स्पर्म ही इधर पेनिट्रेट हो सकता है. जैसे ही एक सिंगल स्पर्म जोना पेल्यूसीडा लेयर से पेनिट्रेट करके ओवम को जैसे ही टच करता है वैसे क्या होता है, बाकी के जो स्पर्म्स है वो एंटर नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अब यहाँ एग फर्टिलाइज होने लग जाता है. तो अब हमें बात कर रहे हैं जोना पेल्यूसीडा के बाहर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रैन्यूलोसा सेल्स एंड इसके बाद मल्टी लेयर सेल प्रेजेंट है जिन्हें हम बोलते हैं थीका सेल्स. मल्टी लेयर्ड सेल्स आर प्रेजेंट सराउंडिंग दिस ग्रैन्यूलोसा सेल्स जिन्हें हम बोल रहे हैं थीका सेल्स. ओके, इन्हें हम बोल रहे हैं थीका सेल्स. अब एक मेच्योर स्ट्रक्चर फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है एंड इसमें से क्या होगा, ओवा जो है वो प्रोलिफ्रेट कर जाएगा. ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं प्रोलिफ्रेटिव स्टेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोलते हैं. सो ऐसा जो प्रोसेस है अगर दोनों ओवरीज के थ्रू होता है, एक ओवम इस ओवरी ने रिलीज किया एंड अनदर ओवरी ने रिलीज किया, तो उस केस में दो ओवम हमें मिल जाएंगे एंड दोनों ही क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं फर्टिलाइज होने के बाद जो दो फीटसेस हमें मिलते हैं दो ओवम से, उन्हें हम बोलते हैं बायनोव्यूलर ट्विंस. तो आई होप आपको बायनोव्यूलर ट्विंस क्लियर हो गया होगा. एंड इनकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो कैसी होती है, फेटर्नल रिजेम्बलेंस. किस तरीके से दिखते हैं ये जो दो ट्विंस हैं, ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं दिख सकते हैं. ओके, सो इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो कैसे होगी, फेटर्नल रिजेम्बलेंस होगी, मींस अपने ब्रदर या फिर सिस्टर की तरह ये दिखेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिओव्यूलर ट्विंस. तो अब हम देख रहे हैं यूनिओव्यूलर ट्विंस. यूनिओव्यूलर जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, एक ही ओवम एंड एक ही स्पर्म से क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है. अगर एक ही ओवम एंड एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है यूनिओव्यूलर. एक ही ओवम में स्पर्म एंटर हुआ, जोना पेल्यूसीडल लेयर को पेनिट्रेट करके और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहां पर हो गया. अब देखिए यूनिओव्यूलर ट्विंस को हम इन्हें हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ओके, यूनिओव्यूलर ट्विंस ऑल्सो नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ओके, एंड ये जो यूनिओव्यूलर ट्विंस हैं, एक ही ओवम और एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ है. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ठीक है,
ट्विनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मींस जो भी हमें प्रोडक्ट का रिसीव हुआ था फर्टिलाइजेशन के बाद, वो दो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एंड हमें दो प्रोडक्ट हमें यहां पर रिसीव हो चुके हैं, यहां पर दो फीटसेस हमें मिल गए हैं एंड इनमें क्या होगा, इनका जो प्लासेंटा है, इनका जो प्लासेंटा है वो कैसा रहेगा, एक ही रहेगा, इसमें सिंगल प्लासेंटा प्रेजेंट रहेगा एंड टू डिफरेंट फीटसेस के जो सैक है, एमनियोटिक सैक जिसके अंदर फीटस प्रेजेंट रहता है वो डिफरेंट होंगे, दो ही यहां पर कोरियन प्रेजेंट होंगे, मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो भी दो होंगी, ठीक है, एक ही प्लेसेंटा से दो अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहेंगी इसमें, अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी होंगी, मीन्स यहां पर टू फीटसेस प्रेजेंट है, टू एमनियोटिक सैक प्रेजेंट है, टू कोरियन प्रेजेंट है, बट प्लेसेंटा जो है वो सिंगल है, प्लेसेंटा कितने रहेंगे, सिंगल। एंड अगर हम बाइनोमियल ट्विंस की बात करें, बाइनोमियल ट्विंस ऑल्सो नोन एज डायजाइगोटिक ट्विंस, जायगोट जब बनता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में तो यहां पर दो जायगोट बन जाएंगे जिनकी वजह से हम इसे बोल रहे हैं डायजाइगोटिक, ओके, बाइनोमियल ट्विंस को बोलते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस एंड यूनिओमियल ट्विंस को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। बाइनोमियल एंड डायजाइगोटिक ट्विंस की जो रिजेम्बलेंस होती है वो होती है फेटर्नल, ओके, एंड लेकिन जो यूनियोमियल ट्विंस रहेंगे ये आइडेंटिकल रहेंगे, मींस इनके हेयर, ईयर की शेप, इनका फेस एंड इनका आप बोल सकते हो ब्लड ग्रुप, सेक्स सब सेम रहेगा, ओके, इनका सेक्स भी सेम रहेगा, इनका ब्लड ग्रुप भी आइडेंटिकल रहेगा एंड इनका इनकी आईज मींस ये आइडेंटिकल दिखेंगे, ओके, सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा यूनियोमियल ट्विंस एंड बाइनोमियल ट्विंस में क्या डिफरेंस है। सो हम देख रहे हैं इटियोलॉजी ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, ऐसी कौन सी कंडीशंस अराइज हो जाती है जिनकी वजह से, जिनके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, ट्विन प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। सो फर्स्ट इज हेरिडिटी, यहां पर क्या है, हेरिडिटरी प्री डिस्पोजिशन प्रेजेंट है, हेरिडिटरी प्री डिस्पोजिशन मीन्स फैमिली हिस्ट्री रही है ट्विन प्रेगनेंसी की, ठीक है, ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, ओके, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। एडवांसिंग एज ऑफ द मदर, अगर मदर की एज जो है बहुत ज्यादा हो गई है, 35 अबव हो गई है, तो इस केस में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्विन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं 35 अबव की एज में कि ट्विन प्रेगनेंसी देखने को मिले। इन्फ्लुएंस ऑफ पैरिटी, पैरिटी क्या होता है, ग्रेविडा मींस अगर कोई विमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो हम उसकी पैरिटी मतलब उसका जो ग्रेविडा है वो कितना डालेंगे, 1, ओके, ग्रेविडा कितना डालेंगे, 1। अगर ये ग्रेविडा 5 से अबव हो जाता है, अबव 5 मींस 5 जो चिल्ड्रन है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी एंड 6 प्रेगनेंसी हो गई है, उस केस में रहता है ट्विन प्रेगनेंसी देखने को हमें मिले, क्योंकि ग्रेविडा जो है वो 5 से ऊपर हो गया है। आइट्रोजेनिक कोज भी हो सकता है, आइट्रोजेनिक कोज का मतलब होता है कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ ऐसी मेडिकेशंस वुमेन को प्रोवाइड की गई हैं ओव्यूलेशन के प्रोसेस को इंड्यूस कराने के लिए, फॉर द इंडक्शन ऑफ मेडिकेशन दी गई है फॉर द इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, उनके जो ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट है उससे भी क्या हो सकता है, ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यहां हम देख रहे हैं डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में सबसे पहले हम वुमेन की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में हम ये हिस्ट्री में क्या कलेक्ट करने वाले हैं, हम फैमिली हिस्ट्री की, ट्विन प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी अराइज हो सकती है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन ने उनसे हम कंसल्ट करेंगे कि कोई ऐसे ड्रग्स तो नहीं लिए हैं जिनसे इनफर्टिलिटी को ट्रीट करवाने के लिए कुछ ड्रग्स तो नहीं लिए हैं एंड वो ड्रग्स क्या हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। देखिए मैंने आपको बताया था प्राइमोर्डियल फोलिकल ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट हो जाता है,
आफ्टर दैट उसे एफएसएच की नीड होती है. एफएसएच कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड इनफर्टिलिटी कब हो जाएगी? जब एफएसएच अपना काम नहीं करेगा. एफएसएच अपना काम तभी नहीं करेगा जब गोनाडोट्रोपिन्स ही क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट नहीं हो रहे. गोनाडोट्रोपिन्स कौन स्टिमुलेट कर रहा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रेट कर रहा है. तो मेन मुद्दा यही है, हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, रेगुलेट करता है सब कुछ. ठीक है, सो हाइपोथैलेमस इसे जीटीआरएच को क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को एक केमिकल है इसे रिलीज करेगा जो कि किसे स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को. एंटीरियर पिट्यूटरी फर्दर क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेगा. ठीक है, सो इनफर्टिलिटी को ट्रीट कराने के लिए भी हमें कौन से ड्रग्स लेने होते हैं? हार्मोनल थेरेपी चलती है गोनाडोट्रोपिन्स, जिसमें आता है एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड यूटिलाइजिंग हार्मोन. ठीक है, सो वुमेन से हमें ये क्या करना है, क्वेरी करनी है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स तो नहीं लिए गए हैं. तो इससे भी क्या हो सकता है, ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है. जैसे हमने, मैंने आपको इटियोलॉजी में बताया था आइएट्रोजेनिक कोज. ओके, सो हिस्ट्री कलेक्शन के बाद वुमेन से जब हम कुछ भी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे उस टाइम पे हमें कुछ सिम्टम्स भी उससे पूछने होंगे कि कौन कौन से सिम्टम है जो शो हो रहे हैं. तो हो सकता है वुमेन ये बोले कि एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो रही है यूट्रस की. ठीक है, यूट्रस की क्या हो रही है यहां पर, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट. एब्डोमेन की हो रही है एबनॉर्मल एनलार्जमेंट. ये ट्विन प्रेगनेंसी के केस में ही होती है. ओके, नेक्स्ट है एक्सेसिव फीटल मूवमेंट, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स मदर को फील होंगे. एक्सेसिव फीटल मूवमेंट क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उसका ग्रेविटा जो है वो हो सकता है 4 से अबव हो या 5 से अबव हो, वो एक्सपीरियंस्ड है. दैट्स व्हाई वो हमें बताएगी एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स फील हो रहे हैं. अब हम देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन. तो अगर हम जनरल एग्जामिनेशन जब वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन का करेंगे, तो उस केस में हमें एनीमिया देखने को मिल सकता है. एनीमिया जो कि एक, अगर हम सिंगल एजेंट प्रेगनेंसी में देखें तो एनीमिया के केसेस जो होते हैं उससे ज्यादा जो है एनीमिक दिखेगी हमें वुमेन, क्योंकि प्रेगनेंसी यहां पर क्या है, ट्विन प्रेगनेंसी है. ठीक है, मोर एंड मोर फॉलिक एसिड की यहां पर नीड है, दैट्स व्हाई वुमेन हमें एनीमिक दिखेगी. ओके, जनरल एग्जामिनेशन में हम देख रहे हैं जनरल एग्जामिनेशन. एंड और क्या हो सकता है, देखिए वेट गेन हो सकता है वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन जो है हमें कैसी दिखेगी, ओबेज. ओके, एंड 25% केसेस में हमें प्री एक्लेम्सिया भी शो हो सकता है. प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक. 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक. जनरल एग्जामिनेशन के बाद हम वुमेन का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में देखिए बेसिक 4 टेक्निक्स होती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की. बट फिजिकल एग्जामिनेशन में देखिए 4 टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, इंस्पेक्शन, ओके, परकर्शन, पैल्पेशन एंड अस्कल्टेशन, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप कंडक्ट करते हैं अस्कल्टेशन. यहां पर हम कौन कौन से टेक्निक्स का यूज करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड अस्कल्टेशन. ओके, नेक्स्ट अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम यहां पर इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाने वाले हैं, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी यहां पर हम करवाएंगे, जिससे हमें शो हो जाएगा ट्विन प्रेगनेंसी है या नहीं है. सो आज हमने स्टडी किया ट्विन प्रेगनेंसी. ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. एंड अगर आप इसके मैनेजमेंट का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट ऑन कर दीजिएगा, मैं जरूर वीडियो अपलोड कर दूंगी. ओके, सो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज एन एस.